गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एबीएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी स्टडी अबाउट द फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स। फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स, रिटेल ट्रेड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्मॉल रिटेलर्स एंड लार्ज शॉप रिटेलर्स। लार्ज शॉप रिटेलर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज शॉप रिटेलर्स? लार्ज शॉप रिटेलर्स का मीन्स क्या होता है भाई? लार्ज शॉप रिटेलर्स में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस इंटरप्राइजेस है वो क्या होती है भी, एक तरह से लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को क्या रखते हैं भी, कैरी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो इनके पास में अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम। ठीक है, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो या जो भी अपने डेली यूजेज है या डेली नीड्स से रिलेटेड जो भी जिस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, वो ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो है वो ओनली वन रूफ, ठीक है, आपको क्या होंगे, अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो अपनी क्या होती है, फिक्स शॉप लार्ज स्टोर्स होते हैं अभी। ठीक है, फिक्स शॉप, इनकी शॉप जो है वो क्या होगी, फिक्स होगी, और लार्ज स्टोर्स। ठीक है, लार्ज स्टोर्स का मीन्स इनके पास में लार्ज क्वांटिटीज में आपको ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली यूजेस जो या डेली नीड्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या होंगे भी, ओनली वन रूफ क्या होंगे, ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे भी। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनको क्या किया गया है, फिक्स शॉप को अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्टली अपने को दे रखा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मींस क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं भी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, वो हर एक वैरायटी की जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की या वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वाइड वैरायटी, मतलब हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैरायटीज जो है वो क्या होंगे, इनमें इजीली क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे भी। ठीक है, अगर आप स्मॉल शॉप रिटेलर्स के पास कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अगर आप परचेज कर रहे हो, तो वो आपको नॉर्मल क्वांटिटी में या लिमिटेड क्वांटिटी में या लिमिटेड वैरायटीज में क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। बट इन डिपार्टमेंट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होगा कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो वो आपको वाइड वैरायटीज में क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। एंड सेकंड इसका क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये क्या होते हैं भी, हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी का जो मेन एरिया होता है या जो सेंटर एरियाज होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ये एस्टेब्लिश होते हैं भी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के जो मेन एरिया होता है जहां पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो एनी टाइम क्या होते हैं भी, अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, जहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है भी, क्रश होता है, बहुत ज्यादा पब्लिक होती है। ठीक है, उस एरिया में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं भी, एस्टेब्लिश रहते हैं भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने मेडिसिन से रिलेटेड है, फर्नीचर है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, क्लॉथिंग है, एंड ड्रेस मटेरियल विद इन ए स्टोर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं और इन ए वाइड वेराइटी और बहुत ज्यादा वेराइटी में क्या होते हैं, आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं इन ए वन रूफ, एक ही छत के नीचे। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ बेसिक अपने को और भी क्या है, इसके बेसिक फीचर्स दे रखे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के, तो वो अपन देखते हैं। फर्स्ट है कि इन मॉडर्न डिपार्टमेंट स्टोर आल्सो प्रोवाइड ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। मॉडर्न डिपार्टमेंट स्टोर्स जो है वो और भी बहुत सारी बेसिक या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं क्या, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट फैसिलिटीज, ठीक है, रेस्टोरेंट फैसिलिटीज है, टेलीफोन बूथ्स है और रेस्ट रूम्स है, ये इस टाइप से अदर जो फैसिलिटीज है जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आज इन्हें करंट सिचुएशन, ठीक है, इन्हें मॉडर्न सिचुएशन, ठीक है, मॉडर्न टाइम डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर प्रोवाइडिंग सो मेनी अदर सर्विस टू अवर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट फैसिलिटीज है, अगर किसी को खाने वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट हो तो
वहां पे इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो, या टेलीफोन से रिलेटेड फैसिलिटीज है, या रेस्ट रूम, आपको रेस्ट रूम से रिलेटेड फैसिलिटीज है. सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट स्टोर टू द कस्टमर्स. डिपार्टमेंट स्टोर क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. अभी इसके अलावा और भी, जैसे दीज स्टोर आर जनरली लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेसेस. इनका एक फीचर क्या है कि ये क्या होते हैं भी, सेंट्रल प्लेसेस में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, मतलब जो हार्ट ऑफ द सिटी या जो सबसे मेन एरियाज होते हैं वहां पर ये क्या होते हैं, स्टेब्लिश होते हैं, लोकेटेड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज द साइज ऑफ द स्टोर इज ए वेरी लार्ज. इन ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर का जो साइज है, ठीक है, वो क्या होता है, वेरी लार्ज है. और उनका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक इंडिविजुअल पर्सन इनको ओवरऑल को हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए क्या होता है भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू क्या होता है, ओवरऑल मैनेजिंग एक्टिविटीज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू क्या होंगी, हैंडल होंगी, जो क्या होते हैं भी टॉप लेवल पे होते हैं. ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं, और वो ही क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर से रिलेटेड जितने भी मैनेजिंग एक्टिविटीज है उनको वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं अभी. ठीक है, उनके डायरेक्शन में क्या होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट होता है अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसका फीचर क्या होता है, द डिपार्टमेंट स्टोर कंबाइंस बोथ द फंक्शन. डिपार्टमेंट स्टोर जो वो बोथ टाइप्स के फंक्शन करता है. फर्स्ट फंक्शन तो क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन तो वो करेगा रिटेलिंग, क्या करता है, रिटेलिंग. एंड सेकंड वो करता है वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड वेयर हाउसिंग. रिटेलिंग मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको सेल भी कर रहा है, प्लस वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग इट मींस ये क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं. ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, ये किसी भी होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, या किसी पर्टिकुलर एजेंट से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं. ये डायरेक्ट क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट है वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं, एंड देन स्टोर द प्रोडक्ट इन अवर गोडाउन या इन वेयर हाउसेस. अपने वेयर हाउस में क्या करते हैं, उस स्टोर को, उस गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. तो टू टाइप्स की ये क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, रिटेलर की भी, एंड जस्ट लाइक ए एंड सेकेंड एक्टिविटीज वेयर हाउसिंग. ठीक है, उन अपने पास में प्रोडक्ट को भी क्या रखते हैं, भी स्टोर करके रखते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड. ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए अपने पास स्टोर करते हैं अभी. ठीक है, तो ये टू टाइप्स के फंक्शंस करते हैं अभी. दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट. ऑल द परचेजिंग इन द डिपार्टमेंट स्टोर आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट. इसमें हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एक्टिविटीज होती है वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या होती है, हैंडल होती है. जैसे इनमें डिपार्टमेंट स्टोर में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से, परचेजिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करेगा. सेलिंग डिपार्टमेंट है, वो सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है उनको हैंडल करेगा. एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है उनको हैंडल करेगा. फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस से रिलेटेड जो मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे या उनसे रिलेटेड जो डाटा होंगे उनको वो अरेंज करेगा. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग से रिलेटेड क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग भी कंपलसरी है, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मतलब हर एक जो एक्टिविटी है, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को वो क्या करते हैं भी, उन ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को वो क्या करेंगे भी, हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू क्या होती है, वो एक्टिविटी हैंडल होती है. परचेजिंग करना है तो ओनली परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस एक्टिविटीज को हैंडल करेगा. ठीक है, सेलिंग है तो वो सेलिंग डिपार्टमेंट देखेंगे. तो ओवरऑल एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू क्या होती है, कंप्लीट होती है अभी. ठीक है, तो ये तो क्या थे, इसके कुछ बेसिक अपने को फीचर्स दे रखे थे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के. उसके बाद में डिपार्टमेंटल स्टोर्स के क्या आते हैं, एडवांटेज. एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स का किस टाइप्स के या किस टाइप के बेसिक एडवांटेज है वो अपन देखते हैं अभी. फर्स्ट एग्जाम एडवांटेज अपना दे रखा है, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट या वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारी वेराइटी के और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं भी, प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं. और दैट इज द अट्रैक्ट टू द कस्टमर्स. और वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स, दैट इज अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स.
लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो बहुत सारे क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइडिंग सो वेराइटी एंड वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द टू आवर कस्टमर्स, ठीक है। बहुत सारी वेराइटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एज दिस स्टोर आर यूजली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेसेस, ये सेंट्रल प्लेसेस में लोकेटेड होते हैं, दे अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर ड्यूरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। ये क्या होता है भी, एक मेन सिटी या मेन जो सेंटर प्लेसेस होते हैं वहां पे स्टेब्लिश होते हैं, और जहाँ पे लार्ज मतलब बहुत पब्लिक जो होती है वो क्या होती है भी, एनी टाइम लार्ज नंबर ऑफ द पीपल आर इजीली अवेलेबल दियर, ठीक है। तो उनको वो क्या करते हैं भी, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो ये फर्स्ट इसका क्या है एडवांटेज है, अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर। सेकेंड एडवांटेज है कन्वीनियंट इन बाइंग, बाइंग बाइंग करना भी क्या होता है इसमें, कोई भी कस्टमर है अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स चाहिए तो विद इन वन रूफ, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट स्टोर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्रोडक्ट क्या होंगे, विद इन वन डिपार्टमेंट स्टोर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। ओनली वन शॉप, ठीक है, विद इन ए वन डिपार्टमेंट स्टोर यू कैन बाय एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर योर डेली यूजेज एंड योर डेली लाइफ, ठीक है। आपकी जो डेली लाइफ से रिलेटेड या डेली यूज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ओनली वन रूफ में क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे या विद इन ए वन डिपार्टमेंटल स्टोर। देखो क्या होता है अभी, बाय ऑफरिंग लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ द डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर इन बाइंग ऑलमोस्ट ऑल गुड्स ऑफ दियर रिक्वायरमेंट एट ए वन प्लेस। जितने भी आपके ओवरऑल जो आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो आपको ओनली वन प्लेसेस में क्या होंगे भी, अवेलेबल हो जाएंगे। अदर प्लेसेस पे आपको विजिट करने का या उस प्रोडक्ट को सर्च करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा भी, ठीक है। तो सेकेंड इसका ये बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है अट्रैक्टिव सर्विसेस, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर प्रोवाइडिंग सो मेनी अट्रैक्टिव सर्विसेज टू द आवर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल होम डिलीवरी ऑफ गुड्स है, एग्जीक्यूशन ऑफ द टेलीफोन ऑर्डर्स है, ठीक है, होम डिलीवरी करना, या फिर टेलीफोन, ठीक है, बाय टेलीफोन आप क्या कर सकते हो भी, कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको ऑर्डर देना है या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऑर्डर देना है तो आप बाय टेलीफोन आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, होम डिलीवरी है, ठीक है। ग्रांट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज जो होती है वो भी अपने कस्टमर्स को ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट मीन्स अपने कस्टमर्स को उधार की जो फैसिलिटीज होती है वो भी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं अभी, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर द रेस्ट रूम्स, रेस्ट रूम्स है, टेलीफोन बूथ्स है, एंड रेस्टोरेंट है, एंड सैलून्स है। इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट सर्विस भी क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। अभी सैलून्स भी वहां पे आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल होंगे, रेस्टोरेंट्स है, रेस्ट रूम है, तो सो मैनी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या करते हैं, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो अट्रैक्टिव सर्विस जो कस्टमर्स को क्या करती है भी, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट या नहीं करना चाहता, और विद इन वन रूफ ही उनको हर एक टाइप की जो सर्विस है या हर एक टाइप की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। ये क्या होता है भी, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एज दीज स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज ए वेरी लार्ज स्केल, द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन पर्टिकुलरली इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स अवेलेबल टू देम, ठीक है। ये बहुत एक ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको क्या होंगे भी, इसके अगर आप हर एक डिपार्टमेंट में क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी करोगे तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होते हैं, आप हर एक टाइप की एक्टिविटीज को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लार्ज स्केल ऑपरेशन, बहुत सारी एक्टिविटी को आप हैंडल कर सकते हो विद इन वन रूफ, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सेल्स, ये आपकी सेल्स प्रमोशन में भी क्या करता है भी, हेल्पफुल होता है भी। सेल्स प्रमोशन है आपकी सेलिंग में भी क्या होता है, मोर बेनिफिशियल होता है।
क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स का भी क्या करते हैं, भी एक तरह से अपने प्रोडक्ट्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, या सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज है उनका भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे बाय वन बाय टू गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, दिस टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर टू द कस्टमर्स, दैट इम्प्रूव द दैट दैट इज द इम्प्रूव द सेल्स ऑफ द ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सेल्स को इम्प्रूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डिपार्टमेंटल स्टोर आर इन ए पोजिशन टू स्पेंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट। अगर नॉर्मल, अगर शॉप नॉर्मल रिटेलर्स कांट कांट अफोर्ड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मल शॉप या रिटेलर्स कांट अफोर्ड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस की जो अमाउंट है उसको नॉर्मल रिटेलर्स जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट डिपार्टमेंटल स्टोर इन ए पोजिशन टू अफोर्ड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, वो इस पोजिशन में होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस की जो अमाउंट है उसको भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज एंड सेल्स प्रमोशन बेनिफिट्स भी क्या करते हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है, एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, गिव 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, सो मेनी सेल्स प्रमोशन फैसिलिटीज प्रोवाइड द डिपार्टमेंट इन स्टोर टू आवर कस्टमर्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ये क्या करते हैं, फैसिलिटीज या प्रोवाइड कर, दैट फैसिलिटीज इम्प्रूव द सेल्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, और ये फैसिलिटीज क्या करती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सेल्स को इम्प्रूव करते हैं भी। तो ये क्या है, कुछ बेसिक एडवांटेज थे किसके, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के। अब इसके लिमिटेशंस क्या है वो आप देखो भी। फर्स्ट लिमिटेशन है, लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। इसमें लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन इट मीन्स कि जो ऑनर है वो हर एक कस्टमर्स को पर्सनली हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनर जो होते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस का नेवर गिव द पर्सनल अटेंशन टू एवरी कस्टमर्स, हर एक कस्टमर्स को पर्सनली हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो लार्ज साइज होती है। ठीक है, तो सो मेनी कस्टमर्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ओनली वन ऑनर कांट हैंडल द ओवरऑल द कस्टमर्स, ओवरऑल कस्टमर्स को कांट हैंडल द पर्सनली टू ओवरऑल द कस्टमर्स, ओवरऑल कस्टमर्स को पर्सनली हैंडल नहीं कर सकते, उनसे पर्सनली एक तरह से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई सजेशंस है उनको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फेस टू फेस उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, देखो क्या होता है, बिकॉज ए लार्ज और स्केल ऑपरेशन इज ए वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द एडिक्यूट पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर इन ए दीज स्टोर्स। ठीक है ना, पर्सनली आप अटेंशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हाई ऑपरेशन कॉस्ट, इनके अंदर ऑपरेशन कॉस्ट जो है इनको ऑपरेट करना, डिपार्टमेंटल स्टोर को रन करना, ठीक है, उसको रन करना, उसको ऑपरेट करने में क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है भी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो कौन से एक्सपेंसेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज दीज स्टोर्स गिव मोर इम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस, दियर ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड टू बी ए हायर साइड, दिस कॉस्ट इन द टर्न मेक द प्राइसेस ऑफ द गुड्स हाई, दे आर दियर फॉर नॉट अट्रैक्टिव टू द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द पीपल। ये जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं अभी, सो मेनी सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स को क्या करते हैं, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और इन सर्विस में जो चार्ज लगा है वो उन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। जितने भी प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहे हैं वो जो आप सर्विस दे रहे हो कस्टमर को, तो उन सर्विस का भी तो चार्ज होता है, और वो चार्ज किस में इंक्लूड होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड होगा, और उससे प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनकी प्राइस क्या हो जाती है, हाई प्राइसेस हो जाती है।
जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मॉल्स होते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे लिफ्ट फैसिलिटीज है, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज वो अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो वो जो चार्जेस लग रहे हैं वो किस में ऐड करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें ऐड करते हैं, और उससे वो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। और नॉर्मल जिन जिन पर्सन की या जिन पीपल्स की क्या होती है, नॉर्मल इनकम है, वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्विस क्या करती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करती है, इंप्रूव करती है, और ये जो इंप्रूवमेंट है ये नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल जो जिनकी नॉर्मल इनकम है जिन पर्सन की, वो उस प्रोडक्ट को इजीली बाय नहीं करवा नहीं बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इसमें लॉस की जो पॉसिबिलिटीज है, लॉस के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि ये सो डिफरेंट डिफरेंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल दिया, इनमें क्या होता है भाई, बहुत सारे गुड्स जो है उनकी लार्ज क्वांटिटीज होती है, सो मेनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट स्टोर टू द कस्टमर्स, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है भाई, ठीक है, और इससे इनके लॉस के जो चांसेस होते हैं, लॉस की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज द रिजल्ट ऑफ हाई ऑपरेशन कॉस्ट द लार्ज स्केल ऑपरेशन, द चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉस ऑफ इन द डिपार्टमेंट स्टोर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी एनी चांस इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर और लेटेस्ट फैशन, सपोज दैट कि कस्टमर्स का जो टेस्ट है, ये लार्ज क्वांटिटीज में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, बट सडनली सपोज सडनली कस्टमर्स का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए, या कस्टमर जिस या कोई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो फैशन है उसमें क्या हो गया, चेंजमेंट आ गया, सडनली सडनली अगर कोई चेंजमेंट आ गया तो वो उनके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास ये टू टाइप्स की एक्टिविटी करते हैं, रिटेलिंग प्लस वेयर हाउसिंग, अपने पास प्रोडक्ट को स्टोर भी करते हैं, तो अगर सडनली अगर फैशन चेंज होगी तो वो जो स्टोर है, जो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी उनके पास स्टोर होता है, वो क्या होता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाता है, तो ये जो बर्डन है या ये जो लॉस है ये किसको फेस करना होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर को फेस करना होता है, तो इसमें हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, लॉसेस की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा होती है भी, ठीक है, क्योंकि ये टू टाइप्स के वर्क करता है, रिटेलिंग प्लस वेयर हाउसिंग, रिटेल भी करते हैं प्लस अपने पास में लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक इनके पास क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है, तो फैशन आउट होने से या कस्टमर का टेस्ट चेंज होने से इनके ऊपर क्या होता है, एक बर्डन होता है भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है वो है कन्वीनियंट लोकेशन, ये डिपार्टमेंट स्टोर इज जनरली सिचुएटेड एट ए सेंट्रल लोकेशन, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर द नीडेड एट शॉर्ट नोटिस, इनके लिए क्या होता है भी, आप इनको इजीली स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कोई अदर लोकेशन है जो नॉर्मल लोकेशन उन पे ही स्टार्ट नहीं हो सकते, इनको आपको एक एज ए सेंटर प्लेस, आपको जहां पे क्या हो भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है, वहां पर इनको क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, और इनके लिए आपको कई टाइप की शॉर्ट नोटिस में भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कई टाइप की आपकी फॉर्मेलिटीज होती है उनको आपको क्या करना होता है भी, फुलफिल करना होता है भी, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो इन प्रोडक्ट को या फिर इस डिपार्टमेंट स्टोर को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इसके बेसिक लिमिटेशंस दे रखे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के, एडवांटेज एंड इसके कुछ बेसिक लिमिटेशंस अपने को दे रखे हैं अभी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो अपना है चैन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स, ठीक है, ये एक टाइप का नेटवर्क दे रखा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके।